ओके गूगल, डू यू लव मी? ऑफ कोर्स, यू आर वन ऑफ अ काइंड। सो गाइस, यार जब से गूगल ने लॉन्च किया अपना पिक्सल और पिक्सल एक्सेल डिवाइसेस, तब से हर स्मार्टफोन जिसमें एंड्रॉइड 7.0 के ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सभी में एक एआई असिस्टेंट आता है जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, हमारे कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका नाम है गूगल असिस्टेंट। तो यार ये आजकल हमारे सभी स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होता है, पर हमें नहीं पता होता है इसका यूज कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम गूगल असिस्टेंट के साथ बात कर सकते हैं और कैसे उसमें हमारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई, यहाँ पर हम एक एंड्रॉइड डिवाइस यूज करने वाले हैं, सैमसंग S9। इसमें गूगल असिस्टेंट अवेलेबल है। आजकल के जो सभी डिवाइसेस आते हैं, एंड्रॉइड डिवाइसेस जो एंड्रॉइड 7.0 के ऊपर रन करते हैं, उसमें सभी में गूगल असिस्टेंट आता है। अगर आपके फोन में नहीं तो आप सेटिंग्स में जाके उसे ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक यूज कर सकते हैं आप कोई भी फोन कॉल करने के लिए, अगर आपने ईयरफोन्स वगैरह लगाए हो, अगर आपको फोन कॉल करना है तो आप सिंपली कह सकते हैं ओके गूगल मेक अ फोन कॉल, और ये बाद में पूछेगा कि आपको किसको। मॉम, और यहाँ पर ये कॉल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली कुछ इस तरह से आप किसी को भी कॉल करना है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कॉल और आपके फोन में जो कॉन्टेक्ट सेव है और वहां से आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में जो इसकी बेसिक चीज है आप जो यूज कर सकते हैं, वो है कुछ कोई भी आपके फोन में अलार्म सेट करने के लिए। अभी आप रात को सोते वक्त आप भूल जाते हैं कि अलार्म सेट करना है, और बाद में उठने के बाद में हाथ में फोन लो और बाद में अनलॉक करो, सेटिंग्स ओपन करो, क्लॉक ओपन करो और बाद में वहां पे अलार्म सेट करो। उससे अच्छा सीधे सीधे बोल दीजिए कि ओके गूगल, Set an alarm of 8 a.m. in the morning. Setting your alarm. और डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अलार्म सेट कर लिया है। अगर आपको देखना है तो सिंपली आप क्लॉक में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 a.m. कल सुबह 8 बजे का इसने अलार्म लगा दिया है। अगर आपको मल्टीपल अलार्म सेट करने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में आप अगर आप कहीं पर आपकी कोई कीज या वगैरह कुछ भी कहीं पर रख देते और बाद में आपको बहुत दिन के बाद उसे देखना है और आप भूल जाएंगे कि कहाँ पर रखा था, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ओके गूगल, रिमेंबर दैट आई हैव केप्ट माई कीज इन माई बैग। ओके, आई रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे इस गूगल ने इसे याद कर लिया है। तो बाद में आप कभी भी ये गूगल अकाउंट लॉगिन करके आप किसी भी डिवाइस पे जाते हैं या इसी डिवाइस को पूछते हैं कि ओके गूगल, वेयर आर माय कीज? आई रिमेंबर यू टोल्ड मी आई हैव केप्ट माय कीज इन माय बैग। तो कुछ इस तरह से गूगल आपको बता देगा कि आपने क्या क्या कहां पर रखा था। तो अगर आपको लगता है कि गूगल ये भूल जाए तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए नो फॉरगेट दैट, और सिंपली आप इसे कमांड भी आपके मुंह से भी बोल सकते हैं और गूगल ये भूल जाएगा। इट्स फॉरगॉटन। तो अगर आप गूगल से पूछते हैं कि वेयर आर माई कीज, I couldn't find anything related to keys. तो हमने बोल दिया था कि भूल जाओ गूगल सब कुछ, तो यहाँ पर गूगल को पता नहीं कि हमारी कीज कहाँ पर है। तो उसके बाद में गूगल से आप ईमेल्स भी पढ़वा सकते हो। तो अगर आपको 5th of July 2019 का ईमेल पढ़ना है तो आप सिंपली गूगल को कह सकते हैं कि ओके गूगल, शो मी ईमेल्स फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई। Here's the email I found. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5th ऑफ जुलाई 2019 को मुझे जो भी ईमेल्स आए थे वो यहाँ पर गूगल शो कर रहा है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ओके गूगल, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। Who do you want a text? तो यहाँ पर गूगल पूछेगा कि आपको किसको सेंड करना है और क्या सेंड करना है, और बाद में आप कह सकते हैं कि सेंड, और आपका टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर सेंड हो जाएगा। और इसके बाद में अगर आपको वेदर वगैरह चेक करना है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ओके गूगल, हाउ इज द वेदर आउटसाइड? Currently in Pune it's 27 and mostly cloudy. Today there will be showers with a forecast high of 27 and a low of 22. तो यहाँ पर आपको ये करंट टेम्परेचर आपके लोकेशन का भी बता देगा, और जो वेदर फोरकास्ट होता है बारिश होगी कि नहीं वो भी आपको गूगल यहाँ पर बता देगा। तो अगर आप एक सेल्फी लेना चाहते हैं तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ओके गूगल, टेक अ फोटो। ओपनिंग ऐप। तो कुछ इस तरह से जो आपका डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन होगा तो उससे वो फोटो क्लिक करेगा। अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो सिंपली कह दीजिए कि ओके गूगल, टेक ए सेल्फी। तो आप यहाँ पर सेल्फी भी ले सकते हैं, और सेल्फी लेते वक्त स्माइल करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अगर आप बोर हो चुके हो, किसी को आपने बहुत दिन से हंसते हुए नहीं देखा, तो सिंपली गूगल को कह दीजिए कि ओके गूगल, लाफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल आपके लिए हंस भी सकता है। इसके बाद में अगर आपको कुछ जोक सुनना है तो ओके गूगल, टेल मी अ जोक। Never try to annoy someone with bird puns, because toucan play at that game. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल आपको जोक्स भी सुनाता है इंग्लिश में। अगर आपका रूम काफी ज्यादा गंदा हो चुका है और अगर आपको गूगल से वो साफ करवाना है, ओके गूगल, क्लीन माई रूम।
Let me try. Did anything happen? Sorry, I guess I can't. तो गूगल यहाँ पर काफी ज्यादा सार्केस्टिक बनता है. यहाँ पर आप देख सकते कुछ ने उसने मैजिक वाला साउंड इफेक्ट डाल दिया और बाद में बोलता है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर रूम. तो गूगल तो आपको रूम नहीं साफ कर सकता, पर अगर आप गूगल से पूछते हैं कि ओके गूगल डू यू लव मी, ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ अ काइंड. तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट काफी ज्यादा होशियार है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये आपके सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है. और अगर आपको गाना सुनना है तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ओके गूगल सिंग मी अ सॉन्ग. पर मुझे लगता है कि इससे अच्छा अगर आप यूट्यूब पे जाके कुछ गाने बजाए तो वो उससे आपको ज्यादा मतलब एंजॉयमेंट मिलेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस. अगर आपको वीडियो चला वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे दिए गए बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, एंड दिस इज योर फ्रेंड शिवम साइनिंग आउट.